अब ये वाला केस देख लीजिए। 38 हफ्ते का एक लड़का पैदा हुआ है जिसका वजन है आपके 2.2 किलो, हाइट है 52 सेंटीमीटर, और वो आज ही पैदा हुआ है और उसमें रेस्पिरेटरी डिस्टर्स हो रही है पैदा होने के 3 घंटे बाद। साथ ही साथ वो तुम्हारी प्रोग्रेसिवली डेटेरिएट करते चला जा रहा है। हिस्ट्री है तुम्हारी मेकोनियम स्टेन लिक्वर की। प्रोविजनल डायग्नोसिस हम लोगों ने मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का बना कर रखा हुआ है, इसका वर्कअप करना है। 38 हफ्ते का एक लड़का पैदा हुआ है जिसका वजन है 2.2 किलो, हाइट है 52 सेंटीमीटर का, वो आज पैदा हुआ है और उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चल रही है पैदा होने के 3 घंटे बाद से, और वो तुम्हारी प्रोग्रेसिवली डिटेरियरेट करते चली जा रही है। मेकोनियम स्टेन लिक्वर से डिलीवरी होने का हिस्ट्री था। प्रोविजनल डायग्नोसिस मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की बढ़ रही है, इसकी वर्कअप करनी है। क्लिनिकल फीचर जब चेक कर रहे हैं तो यह बच्चा टर्म बेबी है। यह बच्चा एक टर्म बेबी है, ना ही पोस्ट टर्म है ना ही स्मॉल फॉर डेट है, ना ही पोस्ट टर्म है ना ही स्मॉल फॉर डेट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तुम्हें इस बच्चे को 3 घंटे से होती चली जा रही है, 3 घंटे पैदा होने के 3 घंटे बाद से होती चली जा रही है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसको पैदा होने के 3 घंटे बाद से होती चली जा रही है, और ये बच्चा प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट करता चला जा रहा है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से बच्चा प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट करता चला जा रहा है। रेस्पिरेटरी रेट इस बच्चे का 44 पर मिनट है, हार्ट रेट 124 पर मिनट और बीपी 104/68 है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट 44 पर मिनट है, हार्ट रेट 124 पर मिनट है, बीपी 104/68 है। ठीक है ना, और ये बच्चा पिंक इन कलर भी है। ठीक है ना, पिंक इन कलर, पिंक इन कलर एंड विगरस, एंड विगरस। ठीक है ना, अब क्या बोला जा रहा है इसमें, जब आगे चेक किए तो रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोपेरिकार्डियम, न्यूमोमीडियास्टिनम और परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन सारे में से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिल रही है। इस बच्चे को जब इवेलुएट किए तो रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोपेरिकार्डियम, न्यूमोमीडियास्टिनम और परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में से एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिल रही है। जब चेस्ट चेक से कराया तो बायलैटरल हेटेरोजीनियस ओपेसिटीज मिल रही है, एरियाज ऑफ हाइपर एक्सपेंशन मिल रही है राइट अपर लोब के यहाँ पे, एटेलेक्टासिस मिले लेफ्ट और राइट लोअर लोब के यहाँ पे, लेकिन कोई भी तरीके का एयर लीक नहीं मिल रही है। चेस्ट एक्सरे करने पे बायलैटरल होमोजेनियस ओपेसिटीज मिल रही है, एरियाज ऑफ हाइपर एक्सपेंशन मिले राइट अपर लोब के यहाँ पे, एटेलेक्टासिस मिले लेफ्ट और राइट लोअर लोब के यहाँ पे, लेकिन कोई भी एयर लीक नहीं मिल रही है। इसके अलावा बच्चे में मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा होने की हिस्ट्री है, बच्चे में मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा होने की हिस्ट्री है। एम्फाइसेमा हम लोग को नहीं मिल रही, लेकिन वीक्यू मिसमैच हम लोग को मिल जा रही है। एम्फाइसेमा हम लोग को नहीं मिल रही, लेकिन वीक्यू मिसमैच हम लोग को मिल रही है। इसे डायग्नोसिस क्या बना, एक टर्म नियोनेट है जो तो मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा होने की वजह से उसे मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया हुआ है। अब वो रेस्पिरेटरी डिस्टेंस लेके प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिल रहा है। टर्म नियोनेट बेबी है जो तो मेकोनियम स्टेन लिक्वर के थ्रू पैदा हुआ है, अभी उसे मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो चुका हुआ है और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्टेंस लेके प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रखा हुआ है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने आईवी फ्लूइड चलाया और ऑक्सीजनेशन चलाया क्योंकि ये माइल्ड डिस्ट्रेस है, लेकिन अगर सीवियर डिस्ट्रेस डेवलप कर जाए तब इसे वेंटिलेशन दे देंगे। आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजनेशन हम लोग चालू कर दिए क्योंकि ये माइल्ड डिस्ट्रेस है, अगर सीवियर डिस्ट्रेस होता तो वेंटिलेशन चालू कर देंगे। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोगों ने बॉडी टेम्परेचर, ब्लड कैल्शियम, ब्लड ग्लूकोज और का चार्ट बिठा दिया हुआ है जो हर एक एक घंटे में हम लोग लेते रहेंगे और एनाल्जेसिया को इंश्योर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चे में बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज और ब्लड कैल्शियम इसका चार्ट बिठा दिया जो हम लोग को हर एक एक घंटे में एक बार लेना है, और हम लोग इसमें बच्चे में एनाल्जेसिया को इंश्योर करेंगे। तो अब हम लोग अपना रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। 38 हफ्ते का एक लड़का है जिसका वजन है 2.2 किलो, हाइट है 52 सेंटीमीटर, हेड सर्कम्फ्रेंस है 34 सेंटीमीटर, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस है 32 सेंटीमीटर। इस बच्चे का पॉन्डेरल इंडेक्स है 1.56। इस बच्चे में तुम्हारा मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा होने का हिस्ट्री है। अब इस बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है पैदा होने के 3 घंटे बाद से लेके, और वो प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट करता चला जा रहा है। एग्जामिनेशन करने में बच्चा तुम्हारा पिंक कलर का है, रेस्पिरेटरी रेट 44 पर मिनट है, बच्चे में साइनोसिस नहीं है, हार्ट रेट 124 पर मिनट है, बीपी 104/68 है, कोई भी टिम्पैनिक साउंड नहीं मिल रही चेस्ट फील के यहाँ पे, कोई भी कोलैप्स कंसोलिडेशन की एविडेंस नहीं मिल रही, और माउथ और नोज दोनों ही तुम्हारा क्लीन पड़ा हुआ है इस बच्चे का। इन्वेस्टिगेशन करने पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% आ रही है और आर्टरी में ऑक्सीजन तुम्हारे 88% आ रही है। कोई भी रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हो रही, कोई भी न्यूमोथोरैक्स नहीं हो रही है, कोई भी न्यूमोकार्डियम या न्यूमोमीडियास्टिनम की कोई एविडेंस नहीं है, और कोई भी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं हो रखी हुई है।
चेस्ट एक्सरे करने पर पता चला कि बायलैटरल हेटरोजीनियस ओपेसिटीज मौजूद है, हाइपर एक्सपेंशन हो चुकी है राइट अपर लोब की और एटेलेक्टासिस हो रखी हुई है लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के लोअर लोब की, लेकिन कोई भी तरीके का एयर लीक नहीं हो रखा हुआ है, एम्फाइसेमा भी नहीं हो रखा हुआ है, लेकिन वीक्यू मिसमैच हम लोग को मिल रही है। इसी वजह से क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर लोगों ने डायग्नोसिस बनाया हुआ है कि एक टर्म नियोनेट है जो मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा होने की वजह से उसमें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो चुका हुआ है। अब ये पेशेंट तुम्हारा प्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेसिवली डिटेरिटिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके, लेकिन इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसमें एटेलेक्टासिस हो गई है दोनों ही साइड के लोअर लोब्स के यहाँ पे और हाइपर एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन कोई भी तुम्हारी ईयर लीक नहीं हो रही है। ये तो ये एक माइल्ड डिस्ट्रेस का केस है। इसी वजह से इसमें हम लोगों ने आईवी फ्लूइड चालू कर दिया हुआ है और ऑक्सीजन चालू कर दिया हुआ है, ठीक है ना, और हर घंटे में हम लोग इस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, सेरम कैल्शियम और ब्लड ग्लूकोज को मेजर मॉनिटर करते चले जा रहे हैं और हम लोग एनाल्जेसिया को और हम लोग ढंग से एनाल्जेसिया को इंश्योर कर रहे हैं। फिर से एक बार ये रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। 38 हफ्ते का एक लड़का पैदा हुआ जिसका वजन है 2.2 किलो, हाइट है तो 52 सेंटीमीटर, हेड सर्कम्फ्रेंस है 34 सेंटीमीटर, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस है 32 सेंटीमीटर, पॉन्ड्रल इंडेक्स इस बच्चे का 1.56 आ रहा है। इस बच्चे में ये बच्चा तो मेकोनियम स्टेन लिक्वर से पैदा हुआ था, अब इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चल गया हुआ है पैदा होने के 3 घंटे बाद से लेके, जो कि प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट करता चला जा रहा है। एग्जामिनेशन करने में बच्चा तुम्हारा पिंक रंग का हो गया हुआ है, साइनोस्ड नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट 44 पर मिनट आ रही है, हार्ट रेट 124 पर मिनट आ रही है और बीपी तुम्हारा 104/68 आ रहा है। कोई भी टिम्पैनिक साउंड नहीं मिल रहा था पूरे के पूरे चेस्ट फील्ड में, कोई भी कोलैप्स कंसोलिडेशन की एविडेंस नहीं मिल रही थी और मुंह और नाक दोनों एकदम क्लीन मिल रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पे तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90% तक घट चुकी है और आर्टेरियल ऑक्सीजन तुम्हारी 88% तक घट चुकी हुई है, लेकिन कोई भी रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हो रही है, कोई भी न्यूमोथोरैक्स नहीं है, न्यूमोपेरिकार्डियम नहीं है, न्यूमोमीडियास्टम नहीं है और कोई भी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं हो रखा हुआ है। चेस्ट एक्सरे करने पर हम लोग को बायलैटरल हेटरोजीनियस ओपेसिटीज मिल रही है और हाइपर एक्सपेंशन मिल रही है राइट अपर लोब की और एटेलेक्टासिस मिले लेफ्ट और राइट लोअर लोब्स की। इसमें कोई भी एयर लीक नहीं हो रखी हुई है, कोई भी एम्फाइसेमा नहीं है, लेकिन वीक्यू मिसमैच में मौजूद है। इसी वजह से क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाया हुआ है कि एक टर्म नियोनेट है जो तुम्हारा मेकोनियम स्टेन लिक्वर के थ्रू पैदा होने के वजह से उसमें हो गई है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है ना। पेशेंट अभी प्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेसिवली डिटेरिएटिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके, लेकिन इसमें कोई किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रखी हुई है। इस बच्चे में एटेलेक्टासिस हो रखी हुई है दोनों ही साइड के लोअर लोब्स, दोनों ही लंग्स के लोअर लोब्स की और हाइपर एक्सपेंशन भी हो रखी हुई है, लेकिन कोई भी एयर लीक नहीं हो रही है। इस ये माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का केस है। इसी वजह से इसमें हम लोगों ने आईवी फ्लूइड चालू कर दिया हुआ है, ऑक्सीजनेट करते चले जा रहे हैं इस बच्चे को और साथ ही साथ हम लोग इस बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, सेरम कैल्शियम और ब्लड ग्लूकोज हर घंटे में एक बार चेक करते चले जा रहे हैं और इस बच्चे को हम लोगों ने एनाल्जेसिया इंश्योर करके रखे हुए हैं। यह था आज का हमारा केस। थैंक यू।